रेड आइस अच्छी खासी फोटो को पूरी तरह से बिगाड़ देता है, पर यह होता क्यों है और ज़्यादातर रात में खींची गई फोटोज़ में ही क्यों होता है? क्या ये डिफेक्ट कैमरे का है या और कुछ? इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में। ये अपने आँख का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इसमें ये आयरिस, ये प्यूपिल और पीछे रेटिना है। इस प्यूपिल के थ्रू ही लाइट अंदर जाती है, यानी कि इसके थ्रू हम देखते हैं। जब लाइट ज़्यादा होता है तो आयरिस एक्सपांड होकर प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि आँख के अंदर लाइट कम जा सके, और जब कम लाइट या अंधेरा होता है तो आयरिस सिकुड़ जाता है और प्यूपिल जितना हो सके बड़ा हो जाता है ताकि आय ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिसीव कर सके और हमें देखने में आसानी हो। मतलब प्यूपिल हमेशा लाइट के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है, इसीलिए तो लाइटेड एरिया से डार्क एरिया में आने पे सडनली कुछ दिखाई नहीं देता, पर कुछ टाइम बाद प्यूपिल एक्सपांड होते ही विज़न में इम्प्रूवमेंट आता है। अब देखते हैं फ़ोटो खींचते टाइम क्या सब होता है। जब कैमरा का फ्लैशलाइट फ्लैश होता है तो इतनी जल्दी आयरिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो बहुत सारा लाइट आँख में जाती है और रेटिना के रेड ब्लड वेसल्स को एक्सपोज करती है, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही वो रेड आई इफेक्ट आता है। लो लाइट या रात के वक्त ही प्यूपिल सबसे बड़े होते हैं, इसीलिए उस टाइम पे ही ज़्यादातर रेड आई इफेक्ट दिखाई देता है। यही है रीज़न। पर इसको ठीक करने के लिए आजकल काफ़ी कैमरेज में फ्लैश लाइट दो बार जलता है। पहले टाइम जलते ही ज़्यादा रोशनी के कारण प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो सेकेंड टाइम फ्लैश से फ़ोटो खींचने पर रेड आई इफेक्ट नहीं दिखता, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड प्यूपिल इतना लाइट अलाउ ही नहीं करता कि रेड ब्लड वेसल्स को एक्सपोज कर सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप इट हेल्प्स टू क्लियर द थिंग। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो डू कमेंट अबाउट इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।